आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी खड्डा फिश फ्राई। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में अपने रेस्टोरेंट में लाहौर की फेमस खड्डा स्टाइल फिश फ्राई कैसे बनाएं। खड्डा स्टाइल फिश बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मछली को धो के और ऐसे जाली के अंदर रखना है, इसका सारा पानी नचुड़ जाए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और मैं बनाने वाला हूं, ये देखिए साबुत मछली से, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, यह है आपकी मर्जी। और अगर आपने साबुत मछली से बनाना है तो क्या करना है, इसमें कट लगाना है, कैसे आपको दिखाता हूं। आपने इस तरीके से देखिए कट लगाने ऐसे, और इतनी ही दूर मतलब आधा इंच की दूरी पे आप ऐसे कट लगा सकते हैं, ये देखिए गिन के नहीं बताऊंगा कितने, बस इतनी जगह होना चाहिए बीच में, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से दोनों मछली में दोनों तरफ कट लगा लूंगा, आपने दोनों तरफ कट लगाने इस चीज का भी ध्यान रखना है। देखिए ऐसे जैसे कि मैंने लगाए, ऐसे कट लगाने के बाद आपने लेना है नॉन स्टिक पैन और इसके अंदर आपने डालना है सिनेमन स्टिक, एक इंच लंबे दो टुकड़े, आधे से आधा जायफल, आधे से आधी जावित्री का फूल, ये देखिए इतना, बस इससे ज्यादा ना डालें, एक टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून अजवाइन, एक टीस्पून काला जीरा, दो टीस्पून साबुत जीरा, और आपने इसमें डालना है एक टेबल स्पून साबुत धनिया। ये सारे मसाले आपने स्लो गैस में अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेने, इनकी खुशबू आपकी नाक तक आए इतनी देर तक। अब हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करूंगा गैस बंद कर दूंगा। गैस बंद करने के बाद आपने लेना एक मिक्सी का जार छोटा वाला, और इसके अंदर आपने सभी मसाले डाल देने जो हमने रोस्ट किए थे। उसके बाद आपने इसमें डालना है आधा टीस्पून काला नमक, थोड़ी सी हींग, आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर और एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से पीस के पाउडर बना लेना है। इस तरीके से आपने पीस के पाउडर बना लेना, ये देखिए कलर कितना बढ़िया हो गया, ऐसा ही कलर आपके मसाले का भी होना चाहिए। मसाला बनाने के बाद आपने एक ऐसा फैला हुआ बर्तन लेना है और इसके अंदर आपने डालना है चार टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालना है चार टेबल स्पून, जिंजर का ना डालें। उसके बाद आपने इसमें डालना है बेसन चार टेबल स्पून, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई अजवाइन, एक टीस्पून कुटा हुआ जीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधे से आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून नमक, दो टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। इतनी चीजें डालने के बाद आपने इसमें डालना है लेमन जूस, फिर ऐसे मिलाया जैसे कि मैं मिला रहा हूं। अब आपने करना क्या है, इसमें पानी नहीं डालना है, जितना नींबू चाहिए उतना नींबू ही डालना है, नींबू से ही इसको आपने पतला करना है। अभी मैं थोड़ा सा नींबू और डालूंगा, ये देखिए ऐसे आपने मसला, बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन गया देखिए। अब आपने इसको इतना गाढ़ा करना है, ना ज्यादा पतला करें ना इससे ज्यादा गाढ़ा करें, ये देखिए ऐसा आपने रखना है। और आप इस टाइम पे इसको चख सकते हैं, मतलब नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है, कम या ज्यादा वो कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन बन गया। अब आपने क्या करना है, ये मसाले को ऐसे साइड में करना है, देखिए इस तरीके से एक साइड में कर लें, और आपने मछली रखी यहां पर और मछली के अंदर ये देखिए ऐसे मसाला लगाया, देख रहे हैं ना आप, मल मल के मसाला लगा लेना है आपने इस तरीके से दोनों तरफ, ये देखिए, और दोनों मछली में ऐसे लगा लें। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से दोनों मछली में मसाला लगाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूं। अब मैंने मछली में मसाला लगा लिया है, देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छे से लगाया, तो आपने भी ऐसे ही पोंछ पोंछ के मसाला लगा लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको 10 से 15 मिनट रख सकते हैं, या फिर आप तुरंत फ्राई कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं तो तुरंत फ्राई करने वाला हूं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के टाइम पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, तेल साफ और गर्म होना चाहिए, गैस आपने फास ही रखना है, और ये देखिए इस तरीके से आपने तेल में डाल देना है और एक एक करके फ्राई करें, दोनों मछली एक साथ ना डालें, इस चीज का भी आपने रखना है ध्यान। मछली फ्राई हो रही है, तब तक आपको एक बात बता दूं, आप ये ना सोचें कि बस फ्राई हो गई तो ये मछली बन गई, अभी पिक्चर बाकी है, यहां तक
आधा ही काम हुआ है, आधा अभी प्रोसीजर और हमने करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप यहाँ से ही भाग जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। अब हमारी मछली फ्राई हो चुकी है, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। आपने इसको पूरा फुल फ्राई नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको 70-80% फ्राई करना है। उसके बाद ऐसे निकाल लेना है। निकाल के रखना कैसे वो आपको बताता हूँ। आपने ऐसी एक जाली पे रखना है या फिर आप उस पे रख सकते हैं जिसमें मैंने मछली धो के रखी थी। बस रखना जाली पे ताकि इसका सारा तेल नचुड़ जाए। आपने किसी टिश्यू पेपर में कपड़े के नीचे ऐसे कुछ नहीं रखना है, ऐसे जाली पे रखना है। अब मैं दूसरी मछली भी इसी तरीके से फ्राई कर लूंगा, आप भी ऐसे ही फ्राई कर लें। ये देखिए अब हमारी दोनों मछली फ्राई हो गई और कितनी बढ़िया हुई है, देख के मजा आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है सिल्वर फॉइल और ऐसे ये देखिए टेबल पे बिछाई और फाड़ ली। फिर आपने क्या करना है, ये चौड़ी कम है और हमारी मछली बहुत बड़ी है तो आपने देखिए ऐसे डबल बिछा लेनी है इस तरीके से, ऐसे। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है देखिए मसाला, ऐसे जो हमने पीस के रखा था। इस मसाले का काम अब है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि शेफ ने मसाला बना के रखा था, वो तो कहीं डाला ही नहीं। तो अब आपने ऐसे मसाला डाला और इस मछली को ऐसे मसाले के ऊपर रखा, ये देखिए रख दिया। फिर आपने इसके ऊपर ऐसे मसाला डाला, देखिए ओहो क्या खुशबू आने वाली है ना, और आपके मुंह में पानी भी आ गया है। अगर आपके मुंह में मेरे तरह पानी आ गया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बिना बोले। ऐसे मसाला डालने के बाद इस तरीके से आपने फिर ये देखिए ऐसे इसको पैक कर देना है। अब आप समझे ना डबल सिल्वर फॉइल की जरूरत क्यों है, ये देखिए ऐसे पैक किया अच्छे से। उसके बाद यहां से देखिए ऐसे अच्छी तरीके से ऐसे पैक कर देना, सेम यहां से। ये हो गई आपकी मछली पैक। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से दूसरी मछली को भी पैक कर लेना है। ऐसे सिल्वर फॉइल में पैक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बेक करना है 10 से 15 मिनट। अगर आपके पास ओवन है तो आप 190 डिग्री टेम्परेचर में इसको 10 मिनट बेक करें। उससे क्या होता है, इसका सारा तेल भी खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी कर सकते हैं और तंदूर में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पीस पतीले में बेक करके दिखाऊंगा, एक तंदूर में, कि आपने कैसे बेक करना है। तंदूर में अगर आपने बेक करना है तो ध्यान रखना है तंदूर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने देखिए इस तरीके से ऐसे एक जाली रखना है और जाली के ऊपर ऐसे मछली रख देना है। ये देखिए कितनी देर, 15 मिनट। अगर तंदूर बहुत ज्यादा गर्म है तो 10 मिनट काफी। जैसे कि आप देख रहे हैं पतीला मैंने चढ़ा दिया है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें नमक डालना है, ढेर सारा नमक। नमक से होगा क्या ये भी आपको बता दूं, इससे ये होगा कि आपका पतीला नीचे जलेगा नहीं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ढेर सारा नमक डालना है। उसके बाद आपने इसमें रखनी है ऐसी एक जाली, जाली के ऊपर आपने इस तरीके से ऐसे रख देना है फिश, ये देखिए, और इसको आराम से ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट पकाना है। अगर आप घर में फिश बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर कोयला डालना है पतीले के अंदर, ऐसा कोयला आपने इसमें जरूर रखना है। इससे क्या होगा, थोड़ी कोयले की खुशबू आ जाएगी। और कोयला रखने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे तेल डाल देना है या फिर देसी घी डाल दें, उससे हल्का सा धुआं हो जाएगा। अब 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी मछली बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है और इसकी आवाज भी आ रही है। अब मुझे पता नहीं वीडियो में आवाज आएगी या नहीं। अब आपने इसको निकालना है और निकालने के टाइम में आपने अपना और मछली का दोनों का ख्याल रखना है। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि आपने जलना भी नहीं है और मछली नीचे गिरना भी नहीं चाहिए। तो दोनों हाथों में आपने कपड़ा लेना है या फिर आप ग्लव से भी निकाल सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, अपना और मछली का दोनों का ख्याल रखें और ऐसे ही रखिए। निकाल लेना है आपने, बहुत ही ज्यादा गर्म है, मतलब इसको छूने में भी डर लग रहा है। तो अब आपने क्या करना है, स्लाइसर से ऐसे इसको उठाना है बहुत ही केयरफुली। फिर से बता रहा हूं, आपने जलना नहीं है और इसको ऐसे उठा के प्लेट में रख देना है। ये देखिए,
और ये मछली इसी तरीके से पिकअप होगी, आपने खोलना नहीं है, खोलेगा कौन, जो खाएगा। तो मैं आपको टेबल पे बैठ के खोल के दिखाता हूँ, खाते खाते तब तक हमारी दूसरी भी हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इसकी जो खुशबू है ना वो तो अल्टीमेट है, मतलब इतनी प्यारी मैं बता नहीं सकता। आपने ये मुझे बताना है जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तब। अब ये हुई कितनी अच्छी है, मैं और आप मिलके दोनों साथ में देखेंगे। 1 2 3 ये देखिए, वाह मजा आ गया। खुशबू इतनी अच्छी मतलब बता नहीं सकता, और गरम इतनी ज्यादा, खाने का मन कर रहा है लेकिन इसको छूने में भी डर लग रहा है, मतलब हाथ आपका जल जाएगा। ये देखिए एकदम नजदीक से दिखाता हूँ, देख रहे ना कितनी मस्त हुई है, और तेल का तो पता ही नहीं है अब कहाँ चला गया, और आपको लगेगा नीचे जल गई, जहां पर मछली है वहां जलेगा नहीं, यहाँ पर क्या है मछली नहीं थी इसलिए ये जल जाएगा, आपका भी ऐसे जल जाएगा जहां मछली नहीं होगी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब ये देखिए नरम, लवली, मतलब मुंह में ऐसा पानी आ रहा है बस खा नहीं सकता, गरम बहुत है। ये देखिए कितनी अच्छी हुई है, घुल गई मुंह में, मेरा चेहरा देख के आपको पता चल गया होगा कि कितनी अच्छी हुई है, कैसे घुली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया है, अब तक मेरा काम पसंद आ गया है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, मैंने सब कुछ बोल दिया, सब्सक्राइब ये वो, और आपको ये पतीले वाली फिश दिखाई नहीं, अब आपको ये दिखाता हूँ, ये भी हो चुकी है, देखिए कितनी बढ़िया हुई है, ये देखिए, वाह खुशबू बेहतरीन, गैस बंद। अब नमक डालने से क्या हो गया, आपका पतीला जलने से बच गया, जैसे कि हमारा भी बच गया। अब आपने इसको निकाल लेना है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट ये भी दिखाई देता हूं, ये देखिए बेहतरीन और साथ में लाजवाब, देख रहे हैं ना आप क्या मछली हुई है, क्या फिश फ्राई हुई है, देखिए देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है, और कलर अल्टीमेट है। बिना कुछ बोले अब मैं वीडियो को बंद कर रहा हूं, हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा है तो भी, अच्छा नहीं लगा है तो भी।